हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर चंद्र सर का दिस इज़ अ 10th लेक्चर ऑन द चैप्टर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सिलिकेट्स। ठीक है, सिलिकन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके डिफरेंट हाइड्राइड्स, ऑक्सी हैलाइड्स, ऑक्सी एसिड्स, हैलाइड्स, ऑक्साइड्स, सबके बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन हम ये अलग से टॉपिक क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल जो भी है उसका, सिलिकेट्स का बहुत तरीके के स्ट्रक्चर में अवेलेबल है, तो इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सिलिकेट्स आर द मेटेलिक सॉल्ट ऑफ सिलिसिक एसिड। ठीक है, ये हो गया यूनियन, इसी का एनायनिक फॉर्म, इसी का एनायनिक फॉर्म मेन इसका बेसिक स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, दे आर द मोस्ट अवर्डेंट कम्पोनेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये तो पता ही है, जितना भी सैंड और सब क्या है, सिलिका होता है। बोथ सिलिकन एंड ऑक्सीजन में 75% बाई वेट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इतना ज़्यादा लार्ज स्केल में अवर्डेंट है। ठीक है, दे कंजिस्ट SiO4 नेगेटिव एन आयन, ये बेसिक यूनिट्स है। ठीक है, ऑल सिलिकेट्स कंटेन SiO बॉन्ड्स हैविंग टेट्राहेड्रल कॉर्नेशन नंबर। ठीक है, SiO बॉन्ड्स है, ठीक है, एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, जितना भी सिलिकेट्स है सिर्फ उसका अरेंजमेंट चेंज होगा, लेकिन जो बेसिक यूनिट है SiO4 नेगेटिव एंड उसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। ठीक, सिलिकेट्स आर प्रिपेयर बाई फ्यूजिंग एन अल्कली मेटल कार्बोनेट विथ सैंड इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट अबाउट 1400 सेंटीग्रेड। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है, हीट करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, इसमें CO2 एंड Na2O, फिर उसको सिलिके SiO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हो गया सोडियम सिलिकेट के फॉर्म। ठीक है, ये इसका डिफरेंट फॉर्म होगा, उसी का डिफरेंट जो भी फॉर्म है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल जो भी मेन बेसिक यूनिट तो SiO4 नेगेटिव है, लेकिन उसके जो अरेंजमेंट के कारण जो भी डिफरेंट फॉर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ सिलिकेट स्ट्रक्चर क्या है, मेन इसका इस तरीके का लार्ज स्केल में क्यों मिलता है। फर्स्ट, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, इसका ऑक्सीजन एंड सिलिकन के बीच 1.7 है। ठीक है, ना तो ज़्यादा डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ना ही बहुत कम है। तो इसमें क्या है, इसका जो SI बॉन्ड है वो 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट है। ठीक, एंड सो इसको थियोरेटिकली क्या माना गया, बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों तरीके है। इसका बॉन्ड का जो नेचर है आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। ठीक है, रेडियस रेशियो रूल में इसका कितना है, SI4 नेगेटिव एंड O नेगेटिव का रेडियस रेशियो कितना है, 0.29। वो क्या सजेस्ट करता है, जो इसका शेप जो है टेट्राहेड्रल यूनिट होना चाहिए। ठीक है, एक सिलिकन, उसके चारों और कितना, 4 ऑक्सीजन एटम हो। ठीक है, एट द कॉर्नर ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन, द सिलिकेट्स आर बेस्ड ऑन SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट्स। ठीक है, हाँ, SiO4 टेट्राहेड्रल में एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट यूनिट और में पॉलीमराइज इनटू लार्ज यूनिट बाय शेयरिंग कॉर्नर। ठीक है, या तो डिस्क्रीट आइसोलेट एक सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, या फिर वो पॉलीमराइज हो गया, डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो गया, लेकिन जो बेसिक यूनिट है SiO4 नेगेटिव वही होगा, बस उसका डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। ठीक है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट, इसी अरेंजमेंट का मतलब इसी के बेसिस पे जो वो कैसे जॉइंट है एक दूसरे से, मतलब किस टाइप का फॉर्म बना रहा है उस पे इसको सिलिकेट्स को डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया गया, उसके स्ट्रक्चरल जो भी अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट्स आर लिंक टुगेदर प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट क्लासिफिकेशन ऑफ द मेनी सिलिकेट। फर्स्ट, ऑर्थो सिलिकेट, नेजो सिलिकेट भी कहा जाता है, ऑर्थो सिलिकेट ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सिंपल SiO4 है, ये सिंपल, ये SiO4 हो गया टेट्राहेड्रल यूनिट, दे आर द सिंपल सिलिकेट कंटेनिंग डिस्क्रीट SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल, दे शेयर नो कॉर्नर, कोई भी शेयरिंग नहीं है, सिंपल यूनिट है। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक, Zn2SiO, तो यहाँ पर क्या, ये जो अरेंजमेंट है, यहाँ पर ये जो हॉलो स्फेयर है वो हो गया ऑक्सीजन, और सॉलिड जो स्फेयर है ना यहाँ पर, मतलब एक ऑक्सीजन भी है एंड जो सॉलिड स्मॉलेस्ट स्फेयर है वो हो गया सिलिकन। ठीक है, चार ऑक्सीजन होना है, 1, 2, 3, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर सिलिकन भी है। ठीक है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है ना, तो उस हिसाब से दिखाया गया है इसको। उसी तरह क्या है, पायरोसिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट्स को सोडोसिलिकेट्स भी कहा गया है और डाइसिलिकेट्स भी कहा गया है, क्योंकि इसमें दो यूनिट, दो ये जो ऑर्थोसिलिकेट्स के दो यूनिट ज्वाइन है, यहाँ पर देखेंगे एक ऑक्सीजन शेयर किया गया है दोनों में। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या है, SiO2 O7 6 नेगेटिव चार्ज। ठीक,
टू टेट्राहेड्रल यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय शेयरिंग द ऑक्सीजन एट वन कॉर्नर दिस गिविंग द यूनिट Si2O7 6 नेगेटिव इज कॉल्ड पायरोसिलिकेट। ठीक है, ये यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑक्सीजन है, 2 सिलिकन है एंड 6 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये हो गया पायरोसिलिकेट्स, सिर्फ अरेंजमेंट के ऊपर ही इसका क्लासिफाई किया गया। नेक्स्ट है साइक्लिक सिलिकेट, वही सिलिकेट का यूनिट 3 हो या फिर उससे ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन शेयर किया जाएगा। यहाँ पर क्या था, सिंगल एक ही ऑक्सीजन अटैच हो रहा था ना, यहाँ पर क्या है, कोई भी SiO4 यूनिट के 2 ऑक्सीजन अटैच होने। ठीक है, यहाँ पर भी देख लेंगे, ये एक SiO4 यूनिट है, इसके 2 ऑक्सीजन ज्वाइंट किया। ठीक है, तो ये साइक्लिक सिलिकेट में आ जाएगा। इफ 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रॉन आर शेयर, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, SiO3N2N नेगेटिव चार्ज। सर सिलिकेट्स आर कॉल्ड साइक्लिक सिलिकेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिलिकेट है ना उसका जो जनरल, ये जो टर्म, ये जो फॉर्मूला, ठीक है, ये जनरल जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो जनरल फार्मूला पूछ सकता है, जो कौन सा सिलिकेट, सपोज साइक्लिक सिलिकेट हो गया, उसका जनरल फार्मूला क्या है, तो तब ये लिखना पड़ेगा। सबका अलग अलग होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर सबका अलग अलग होता है। तो ये हो गया साइक्लिक सिलिकेट, देखेंगे साइक्लिक फॉर्म में जिसमें दोनों ऑक्सीजन शेयर हो रहा है। ठीक, उसी तरह चेन सिलिकेट, ये साइक्लिक फॉर्म है और चेन हो गया लॉन्ग फॉर्म में। ठीक है, मतलब जो पायरोसिलिकेट है उसी को अगर एक्सटेंड कर देते, उसमें तो सिर्फ 2 ही यूनिट था, चेन में क्या उसको एक्सटेंड कर देंगे तो वो चेन सिलिकेट हो जाए। इफ 2 ऑक्सीजन एटम आर टेट्राहेड्रॉन आर शेयर टू गिव अ लीनियर चेन ऑफ द फॉर्मूला, सेम इसमें भी 2 ऑक्सीजन, इसमें भी 2 ऑक्सीजन शेयर हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जो अरेंजमेंट है लीनियर होगा, तो वो हो जाएगा चेन सिलिकेट, इसलिए ये जो जनरल फार्मूला भी सेम है ऑलमोस्ट। ठीक, इसको क्या पायरोक्सिन भी कहा गया। उसी तरह डबल चेन, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एक इधर लोअर एक अपर, दोनों ज्वाइन किया है, डबल चेन को भी फॉर्म होगा, ये सिंगल चेन है, ये डबल चेन। इसमें क्या है, सॉल्युबल चेन आर कैन ऑल्सो बी फॉर्म व्हेन 2 सिंपल चेन आर ज्वाइन टुगेदर बाय शेयर ऑक्सीजन ओ, दीज आर कॉल्ड एम्फीबोस, इसको पायरोक्सिन सिंगल चेन, इसको एम्फीबोस कहा गया जब डबल चेन होगा, और ये चेन जनरली सॉल्युबल होता है। ठीक है, सेम है, इसमें भी 2 ही ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ जो है ये 3 जो ज्वाइनिंग, दोनों चेन के ज्वाइनिंग में है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन शेयर हो रहा है। ठीक है, ये हो गया एम्फीबोल, इसका इसलिए फॉर्मूला चेंज हो गया, Si4O11HN6N नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि बाकी सब में तो 2 है, लेकिन जो जहाँ पर ज्वाइनिंग है यहाँ पर 3 ऑक्सीजन शेयर हो रहा है। ठीक, उसी तरह क्या है सीट सिलिकेट, सीट मतलब 2 डायमेंशनल सीट, एक्स वाई डायरेक्शन में बढ़ेगा सीट सिलिकेट। ठीक है, इसी को एक्सटेंड करेंगे, जो एम्फीबोल्स है इसको और एक्सटेंड करने से सीट सिलिकेट बन जाएगा। When SiO4 यूनिट शेयर 3 कॉर्नर द स्ट्रक्चर फॉर्म इज एन इनफाइनाइट 2 डायमेंशनल सीट ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पर 3 तीनों ऑक्सीजन देखेंगे, सब में तीनों ऑक्सीजन शेयर्ड हो गए। ठीक है, सब में देखेंगे तीनों ऑक्सीजन शेयर्ड हो रहे हैं, तो इस कारण से इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, Si2O5HN2N नेगेटिव। ठीक है, 2 डायमेंशनल सिलिकेट्स आर कॉल्ड सीट सिलिकेट्स। नेक्स्ट 3 डायमेंशनल सिलिकेट, इसमें क्या होगा, यहाँ पर तीनों था, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, ये जो मिडिल वाला ऑक्सीजन है वो भी इसके पीछे जो ग्रुप है उसके साथ शेयर्ड होगा, तो मतलब इसका जो ग्रो होगा 3 XYZ डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में होगा, तो इसको तो 2 डायमेंशनल इसमें PPT में, मतलब इसमें दिखाने में दिक्कत है इसको, हम इसलिए इसका नहीं मिला, लेकिन मतलब यहाँ पर जो 4th ऑक्सीजन है ना वो भी शेयर होकर उसके लार्ज स्ट्रक्चर बनाएगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, शेयरिंग ऑल 4 कॉर्नर ऑफ SiO4 सॉरी टेट्राहेड्रॉन रिजल्ट इन 3 डायमेंशनल लैटिस ऑफ फॉर्मूला SiO2 होल है। ठीक है, क्वार्ज हो गया 3 डायमेंशनल सिलिकेट। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ सिलिकेट्स और यूजेस दिया है, इसमें एक इंपॉर्टेंट है जियोलाइट्स, ये कॉमन बहुत ही हायर, इसमें आपको पढ़ना होगा जियोलाइट्स के बारे में, हायर जो भी क्लासेस है, अब UG में तो मेनली इसका उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, मतलब सेमिस्टर 1 में।
तो यह क्या है, जियोलाइस, एल्यूमिनो सिलिकेट्स आर कॉल्ड जियोलाइस, इसमें एल्यूमिनियम का सिलिकेट्स होगा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ये जनरली क्या है, वाटर प्यूरिफाइंग, वाटर सॉफ्टनिंग में यूज़ होता है, जहाँ भी हार्ड वाटर होता है, जैसे हार्ड वाटर में क्या है, सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का सॉल्ट रहता है ना, वो इस कारण से हार्ड वाटर होता है, तो उसको रिमूव करने में ये जियोलाइस यूज़ होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पोरस स्ट्रक्चर होता है, तो उससे क्या होता है, ये मैग्नीशियम एंड कैल्शियम को ट्रैप कर उसमें फंस जाता है, तो उसको फिर इजीली वहाँ से मतलब वाटर से रिमूव कर सकते, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड परमोलाइट प्रोसेस, ठीक। सिलिकेट्स आर रिफ्रैक्टरी मटेरियल, रिफ्रैक्टरी हाई टेम्परेचर में भी स्टेबल रहता है, इसलिए रिफ्रैक्टरी में ये काफ़ी यूज होता है, जो भी यूज होता है जनरली वो सब सिलिकेट्स ही होता है, सेरेमिक, ठीक है। देन टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइन, ये दूसरा कंपाउंड है, टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइन, इट कैन बी प्रिपेयर बाई रिफ्लैक्सिंग डाई सल्फर डाई क्लोराइड विद अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया। ये डाई सल्फर डाई क्लोराइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये जो S4N4 ये हो गया टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइन, ठीक है। तो और अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके भी ये बना रहा है, साइड प्रोडक्ट अलग है, ठीक है। ये डाइक्लोराइड ये मोनोक्लोराइड है, सल्फर डाइक्लोराइड के साथ भी और सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड बनाता है, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज में क्या है, इट इज एन ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड, मेल्टिंग पॉइंट कितना है 178 सेंटीग्रेड, ठीक है। ये एट रूम टेम्परेचर इसका कलर क्या है, ऑरेंज येलो कलर रहता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इट इज थर्मोक्रोमिक सब्सटेंस, थर्मोक्रोमिक मतलब विद टेम्परेचर इसका कलर चेंज होता है, ठीक है। सपोज इट चेंजेस कलर विद टेम्परेचर, ठीक है, इसी के बाद बता रहे हैं, जैसे टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड वेरी लो टेम्परेचर में क्या होगा, कलरलेस है, वही रूम टेम्परेचर में इसका कलर क्या हो गया, ऑरेंज येलो, फिर इसको अगर 100 सेंटीग्रेड में रखा जाए तो ये इसका कलर हो जाएगा रेड, मतलब इसका जिस तरीके से टेम्परेचर वेरी हो रहा है तो उसका कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, थर्मोक्रोमिक सब्सटेंस। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर में तो इनसॉल्युबल है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल। इट इज वेरी स्लोली हाइड्रोलाइज बाई वाटर, रिएक्ट्स रैपिडली विद वार्म NaOH विद द ब्रेकअप ऑफ द रिंग। ये NaOH के साथ अगर रिएक्ट करते हैं ये टूट जाता है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखेंगे, वो टूट के इस टाइप का कंपाउंड बना देता है, ठीक। रिएक्शन विद AgF2 और इट फॉर्म टेट्राथायजिल टेट्राफ्लोराइड, इस टाइप का रिएक्शन बनाएगा, मतलब फ्लोरिन भी जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा एंड सिल्वर अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विद Cl2, Cl2 के साथ क्या होता है रिएक्शन, इट ऑक्सीडाइज टू गिव ट्राइथायजिल ट्राइक्लोराइड, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब इसमें अटैच हो जा रहा है, ठीक है, ट्राई हो जा रहा है, तब इसमें क्या हो जा रहा है, ट्राइथायजिल ट्राइक्लोराइड बना रहा है। रिडक्शन ऑफ S4N4 विद SnCl2 इन MeOH गिव्स टेट्रा सल्फर टेट्राइमाइन, ठीक है। इमेज कैन ऑल्सो भी मेड बाई रिएक्टिंग S4N4 विद सल्फर एंड S2Cl2 विद एमिन, ये मतलब प्रोडक्ट, मतलब अगर पूछ दिया जाए जो किस किसके साथ क्या रिएक्ट करने से इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तभी ये आएगा मल्टीपल चॉइस के लिए भी, इसमें शॉर्ट नोट्स ही आएगा जो भी दिया गया है, जैसे सिलिकेस में देन टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड, शॉर्ट नोट्स इस पर आएगा, तो कंप्लीट इसका रिएक्शन प्रिपरेशन रिएक्शंस स्ट्रक्चर कंप्लीट लिखना पड़ेगा, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद लुईस एसिड टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट बना रहा है, BF3 लुईस एसिड है, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। S4N4 कैन बी पॉलीमराइज एंड फॉर्म पॉलीथायाजोल, पॉलीमर एक फॉर्म हो गया, ये इसका फॉर्मूला है SnHolex। दिस इज अ ब्रोंज कलर साइनिस सॉलिड, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। ये कंडक्टिंग नेचर होता है बट टेम्परेचर वेरी होने के साथ साथ कंडक्टिविटी भी वेरी होता है, मतलब टेम्परेचर लो होगा तो कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। इट बिकम सुपर कंडक्टर एट 0.26 केल्विन, ठीक है, सुपर कंडक्टर मतलब जिसमें जीरो रेजिस्टेंस, तो कंडक्टिविटी की इसमें सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर में है, 0.26 केल्विन, ठीक है। ये इसके स्ट्रक्चर हो गया, ठीक
ठीक है। तो इट इज अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग, देख रहे हैं सल्फर एंड नाइट्रोजन है, हाइड्रोसाइक्लिक रिंग हैज अ कर्डल सब लाइक 8 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, 8 है ठीक है टोटल एटम। ऑल द एस एन बॉन्ड्स लेंथ आर 1.62 एंगस्ट्रॉम, ठीक। एस एन बॉन्ड हैज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसका जितना बॉन्ड लेंथ है उसके हिसाब से ये क्या डबल बॉन्ड, मतलब इसमें डी लोकलाइजेशन ऑलमोस्ट सब बॉन्ड सेम है ना, और इस तरीके के अरेंजमेंट होने के कारण इसमें डी लोकलाइजेशन का पॉसिबिलिटी रहता है ठीक है। रेदर देन सिंगल एंड डबल बॉन्ड डी लोकलाइज पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व सल्फर डी एंड नाइट्रोजन पी टू पी ऑर्बिटल, डी लोकलाइजेशन जो होता है इसमें ठीक है, ये दोनों ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, ये इसका स्ट्रक्चर मेन है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। ऑल द फोर नाइट्रोजन एटम लाइन इन द सेम प्लेन, द पेयर ऑफ सल्फर एटम अबव एंड बिलो द प्लेन आर विद इन, ये जो ये सल्फर दोनों के डिस अबव एंड बिलो है और ये सेम प्लेन में हो, तो इसका डिस्टेंस कितना 1.5 एन एंगस्ट्रॉम, विच इज वेरी देयर इज क्या है वीक एस एस इंट्रैक्शन ठीक है, काफ़ी मतलब इंट्रैक्शन कम है। मेन इसका स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना है और इसमें डीलोकलाइजेशन एंड बॉन्ड लेंथ जितना है वो लिख देना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं देना है। इज बिलीव टू बी अ केज कंपाउंड थॉ द बॉन्ड क्लोजिंग द केज आर वेरी वीक, मतलब इसमें जो बॉन्ड क्योंकि डीलोकलाइजेशन हो रहा है देन इसका बॉन्ड लेंथ इसमें क्या है जो भी इंट्रैक्शन काफ़ी वीक इंट्रैक्शन है सल्फर सल्फर का ठीक है, तो इस कारण से ये मतलब बहुत हाईली स्टेबल वाला तो है नहीं ठीक है। तो ये हो गया सिंपल से, ये शॉर्ट नोट से आएगा ज़्यादातर कुछ नहीं, या फिर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है जो क्या है टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड का फॉर्मूला, और या फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको जैसे दिया है कार्डल से वेट मेंबर रिंग स्ट्रक्चर हेट्रोसाइक्लिक रिंग, यही सब आ सकता ठीक है। ओके थैंक यू।